हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी एक रियल कहानी है। कहानी जो हमारे पेरेंट्स अपने और हमारे भाई बहन के बीच फर्क करते हैं। ये कहानी अपनी कहानी है, तो आप सभी से गुजारिश है कि आखिर तक देखना ज़रूर। अरे वाह, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फेवरेट मोमेंट कैंडल को ब्लो करना है। ओह मम्मी, मुझे कैंडल को ब्लो करना है। अरे चीनी, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए कैंडल को ब्लो मैं करूँगी और फिर विश करूँगी। मम्मी देखो, मुझे कैंडल को ब्लो नहीं करने दे रही है दीदी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो रुला दिया ना वापस, उसको कैंडल ब्लो करने दो ना। अजय उचीनी, तुम कैंडल ब्लो कर दो। हे हुया। ठीक है बेटा, मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने के लिए, और वैसे भी अभी तुम बड़ी हो गई हो ना, जब मुझे वक्त मिलेगा तब तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लूंगी, और ये केक बाद में खाएंगे, क्योंकि अगर चीनी ने अभी खा लिया तो वो खाना नहीं खाएगी। देखा मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, क्या ये नया ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है मम्मी? ओ मेरी प्यारी गुड़िया, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो मेरी जान, क्योंकि तुम फेर और बहुत ही खूबसूरत जो हो मेरी जान। हाँ चीनी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मी क्या कहते हो, मैं भी यही पैटर्न में मेरी साइज का ड्रेस ले लेती हूँ, ऐसे हम दोनों बहन भी मैचिंग हो जाएंगी। देखो बेटा, ये कलर डार्क स्किन पे अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ फिर और खूबसूरत लोगों को मच करेगा, जैसे कि मैं और तुम्हारी बहन चीनी। तुम्हारी छोटी बहन को तो देखो, बिल्कुल मेरी जैसे लग रही है। चलो चलो घर जाके इसकी नजर उतार लेती हूँ। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, ये केक तुम दोनों के लिए है। बहुत शुक्रिया मम्मी, मैं अपने केक मेरी बेडरूम में ले जाती हूँ, मेरी पढ़ाई खत्म करने के बाद करूँगी। अरे ये तो खत्म हो गया, मुझे और चाहिए। मुझे पता है क्या करना है। चीनी कहाँ जा रही हो? वो मेरी केक है। रुको रुको चीनी, नहीं दूंगी। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ दो। मम्मी मम्मी मुझे बचाओ। बस चीनी रुको, बहुत हुआ। तुमने तुम्हारे हिस्से का केक खा लिया, ये मेरा हिस्सा है, मुझे वापस दो। मम्मी मम्मी देखो, निकी मुझे अपना केक नहीं खाने दे रही। अरे निकी, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपनी पेट की फिक्र अपनी छोटी बहन के आंसू से ज्यादा है। तुम्हारी पूनम आंटी की बड़ी बेटी को देखा है, कितना ध्यान रखती है अपनी छोटी बहन की, कुछ सीखो तुम उससे। मम्मी मगर, जाओ जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, जाओ। तुम खाओ मेरी बच्चों खाओ, देखो मैंने उससे दांत दिया, तुम खाओ, सब तुम्हारे लिए है मेरी बच्ची। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बस मुझे यहाँ तक ही आता है। क्या बात है मेरी बच्ची,
देखा तुम चीनी के मौसी कितनी टैलेंटेड बच्ची है मेरी। बहुत अच्छा चीनी, क्या बात है। क्या बताओ, जहाँ भी जाती हूँ इसकी खूबसूरती की तारीफ ही सुनती हूँ। कहते हैं कि मेरी जैसी खूबसूरत है। अच्छा, और निकी तुम आजकल क्या खा रहे हो बताओ। है आंटी, मैं अपनी स्टडीज करती हूँ और साथ साथ थोड़ी क्राफ्टिंग भी करती हूँ और फिर... बस पूरा ध्यान क्राफ्टिंग में ही लगाती हो, इसीलिए पढ़ाई में कम नंबर्स आते हैं। क्या बताओ, जितनी ही उसकी छोटी बहन खूबसूरत और टैलेंटेड है उतनी ही ये कुछ काम की नहीं, हमेशा मुझे शर्मिंदा करती है। भगवान जाने किस पे गई है ये। मेरी उम्मीद तो सिर्फ तुम पर है मेरी प्यारी चीनी। ये लो निकी, ये डॉल तुम्हारी सहेली ने पोस्ट किया था तुम्हारे लिए। तुम घर पे नहीं थी कल, इसीलिए मैंने रख लिया था। ओह मम्मी थैंक यू, ये बहुत प्यारी है। मैं उसे बाद में कल करके थैंक यू बोल दूंगी। मुझे चाहिए ये डॉल, मुझे दो मम्मी, मुझे भी बिल्कुल ऐसी डॉल चाहिए, मुझे दे दो। मैं तुम्हें नहीं दे सकती चीनी, ये मेरी फ्रेंड से मिली हुई गिफ्ट है, मगर जब भी चाहो तुम इससे खेल सकते हो। नहीं, मैंने कहा ना मुझे दे दो, मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरी डाल हो, सिर्फ मेरी, मुझे दो। नहीं दूंगी। तुम्हारी उम्र तो देखो निकी, शर्म आनी चाहिए, दे दो उसको ना, मेरी चीनी को कोई नहीं रुला सकता। देखो अभी ये मेरी डॉल है, अभी मैं किसी को भी इसे छूने नहीं दूंगी। चलो मेरी गुड़िया, मैं खुद तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं तो सिर्फ थोड़ी साल बड़ी हूँ चीनी से, मगर मम्मी को लगता है कि मैं बड़ी बहन हूँ तो मैं 20 साल की हो गई हूँ। मम्मी को लगता है कि मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ओ मम्मी वापस यही खाना। वाह शाबाश, मुझे शुक्रिया कहने के बदले मुझे ये कह रही हो। थोड़ा चीनी से सीखो, वो इतनी छोटी है तुमसे मगर हमेशा पूरा खाना खत्म करती है। पता है, क्योंकि हमेशा उसका फेवरेट खाना जो बनाती हो। तुम कब समझोगी कि तुम्हारी बहन छोटी है अभी, हमें सब मिलकर उसको खुश रखना चाहिए क्योंकि वो बढ़ती उम्र में है। क्या मेरी उम्र बढ़ना बंद हो गई है? बस करो, शिकायत करना बंद करो और मैं जो भी देती हूँ चुपचाप खा लो। मम्मी क्या आप मुझे वो क्यूट डॉल्स खरीद कर दोगे, प्लीज प्लीज। अरे क्या तुम छोटी बच्ची हो, क्या तुम वापस अपनी छोटी बहन से जलने लगी? बिल्कुल छोटी बच्चियों की तरह तुम्हें जो दिखता है तुम्हें चाहिए। मम्मी मगर मैंने तो सिर्फ एक चीज के लिए कहा। ओके ठीक है, खरीद लेती हूँ तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें चीनी के साथ शेयर करना पड़ेगा, उसे वापस रोते हुए नहीं देखना चाहती, समझी? दीदी चलो चलो मेरे साथ चलकर खेलो। अभी मैं बिजी हूँ चीनी, तुम जाओ, थोड़ी देर में आके तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं, तुम्हें अभी चलना होगा मेरे साथ खेलने को, मैंने कह दिया ना बस। अरे चीनी जाओ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ चैट कर रही हूँ। ठीक है अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये क्या किया तुमने चीनी? मैंने वो पौधा खुद अपने हाथों से लगाया था। मेरी मर्जी, तुम्हें क्या, बदतमीज, बेशर्म, पागल, बेवकूफ। तुम कितनी बदतमीज हो गई हो चीनी, निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं जाके मम्मी को कहती हूँ कि तुमने मुझ पर चिल्लाया। मम्मी मम्मी।
चलो मेरी छीनी, देखते हैं किसकी मजाल हुई तुम पर चिल्लाने की। क्यों इस पर चिल्लाया तुमने? वापस रुलाया तुमने इसको? जरा सी शर्म है तुम्हें कि ये तुमसे कितनी छोटी है? मम्मी, इस चीनी ने मेरा पोट तोड़ दिया और मुझे बहुत सारी गालियां भी दी, और फिर भी आप इनके साथ हो। मम्मी, ये झूठ बोल रही है। ये पोट उसने खुद ने तोड़ा है, और मैंने जितना भी उसको मेरे साथ खेलने के लिए कहती हूँ उतना ही अपने फोन पर खेल रही है। वाह वाह, क्या बात है। तुम अपना सिर सिर्फ अपने फोन में डाल के रखो और ऐसे ही तुम एक सक्सेसफुल लड़की बनोगी, ठीक है? मम्मी, मगर मैंने अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद ही आपने फोन लिया था, और आप यहाँ पर थी भी नहीं। मुझे जवाब मत दो, आज तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा। मम्मी, मगर मैं बस कहा ना, मुझे दो। शायद इसी तरह तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी छोटी बहन के साथ कैसे बात करते। हाँ, जाओ जाओ, छोटी बच्ची की तरह रोने जाओ। जैसे कि तुम बहुत खूबसूरत हो ना, कि तो रो के अपनी खूबसूरती बिगाड़ दोगी। क्यों मम्मी ऐसी है? मेरी क्या गलती है बड़ी बहन बनने में? काश मम्मी मुझे चीनी से इतनी कंपेयर ना करती। हेलो जी, फेरी गॉड मदर, मुझे लगा कि आप तो सिर्फ छोटे बच्चों का ध्यान रखते हो जैसे मेरी मम्मी रखती है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है। शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, मगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है। जब तुम भी छोटी थी, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही प्यार करती थी। किसी की मजाल कोई तुम्हारी बारे में कुछ बुरा कहे, मगर मुझे पता है कि इतना साथ तुम्हारी छोटी बहन का लेना भी अच्छा नहीं। वेरी गुड मदर, प्लीज क्या आप सब ठीक कर दोगी? मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, उसका ध्यान भी रखना चाहती हूँ, मगर मम्मी की वजह से उनसे कभी कभी नफरत हो जाती है, क्योंकि छोटी की वजह से मम्मी मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। मैं समझ सकती हूँ बेटा, और इसी कारण मैं आई हूँ कि तुम्हारी विश में पूरी करूँ। मैं तुम्हारी मम्मी का प्यार तुम दोनों के बीच बराबर हिस्सों में शेयर कर दूंगी। अभी बिल्कुल फिक्र मत करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय बेटा। गुड बाय फेरी गॉड मदर। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, ये केक तुम दोनों के लिए है। मम्मी, मेरा केक खत्म हो गया, और चाहिए? और नहीं है बेबी, मैं बना दूंगी, मगर तब तक के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। निकी ने अपना केक नहीं खाया, उससे कहो कि अपना केक मुझे दे दे जल्दी। अरे चीनी, वो उनका केक है ना, वो तुमसे शेयर करना चाहती है या नहीं वो बिल्कुल उनकी चॉइस है। बदतमीज पागल, मुझे केक दो, वरना मैं आखिर तुम्हारे बाल खींचूंगी। निकी, चीनी, ये कौन सा तरीका है अपने बड़ी बहन के साथ बात करने का? मुझे कभी नहीं दिखना चाहिए ऐसे करते हुए। मेरी छोटी चीनी, मैं तुम्हें एक पीस जरूर दूंगी, क्योंकि ज्यादा दूंगी तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, और उसके बाद हम दोनों जाके साथ में खेलेंगे। बहुत अच्छा मेरी प्यारी निकिता, मम्मी तुम पर बहुत फख्र करती है मेरी खूबसूरत बेटी। घर लग जाओ मेरी ब्यूटीफुल बच्ची। और मेरा हाथ का क्या? तुम भी आ जाओ मेरी प्यारी बेटिया, मम्मी तुम दोनों को बहुत प्यार करती है। जी हाँ, उसके बाद मेरी प्यारी मम्मी ने चीनी और मुझ में कोई अंतर नहीं किया, और मम्मी का बदलने से मेरी और चीनी के बीच का रिश्ता और भी अच्छा हो गया। हमें एक दूसरे से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बदले में हम एक दूसरे की ताकत बन गए।
थी मेरी कहानी। आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।